सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से बिजली बिल कैसे चेक कर सकते हो गाइस। जी हाँ, अगर आप लोग भी अपने फ़ोन से बिजली बिल चेक करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। ज़्यादा टाइम का बात ना हुई, वीडियो स्टार्ट कर लेते गाइस। सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउजर या फिर कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है, उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है एम पावर, ठीक है। चलिए हम टाइप कर देते हैं एम पावर और आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप लोगों को पहले नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको विजिट कर लेना है, यानी कि इस पर क्लिक कर लेना। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखने लगा है upcl.mpower.in, ठीक है। नीचे आ जाना, यहाँ पे देखने मिल रहा है MUPPCL क्यूक बिल पे, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और हम आप लोग दिखा दें जूम इट करके। यहाँ पे देखने मिल रहा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड, ये यहाँ पे चेकआउट की जाती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे देखने मिल रहा है देखना प्लीज़ इंटर योर 12th digit account number, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे 12th digit का अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाल देना। अगर आपको नहीं पता है तो ये पर्ची होती है ना, पर्ची जो बिल आपको पे करती हो या फिर आपके बिल की रसीद निकलती है, उस पर नंबर लिखा होता है। यहाँ पे 12th digit का नंबर यानी कि 12 अंकों का नंबर लिखा होता है, तो अकाउंट नंबर वही होता है, वहाँ पे लिखा होगा अकाउंट नंबर। इसको टाइप करना और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखने मिलता है यहाँ पे इमेज वेरिफिकेशन। आप दूसरे नंबर पे आता है इमेज वेरिफिकेशन। इमेज वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कोड है, ये कोड दिया जाता है। तो आपको ये कोड को अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिफ्रेश करके दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला कोड है यहाँ पे इस कैप्चा यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोगों के ये बदलते रहते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा होता है तैसा ही डालना। डी है और यहाँ पे 888 है और 68, ठीक है, 6 और 8। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। हम आप लोग जूम करके दिखा देते, देख सकते हो गाइस। चलिए हमने जूम किया है, यहाँ पे देखने मिला है अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर आ चुका है। और नेम किस नाम से है, मेरे पिताजी के नाम से है। और यहाँ पे आ जाना नीचे साइड, यहाँ पे ये डेट दिखा रहा है, तो ये डेट है। और आप लोग नीचे आ जाना, देख सकते हो गाइस यहाँ पे इस तरीके का डेट, ठीक है। और आप लोग इधर आ जाना है और आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कोई भी मेरे यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे हो गए होंगे मुझे 7 से 8 दिन ये मैंने ये जमा करा दिया था, इसलिए यहाँ पे 00 दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 00 दिखाए, जो भी अमाउंट दिखाएंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से आप लोग अपने फ़ोन से बिजली बिल चेकआउट कर सकते हो गाइस। सो गाइस, अच्छा कर दो गाइस, जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपके मिल चुकी होगी। तभी आपको फ़ोन से बिजली बिल चेक करने में कोई भी दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।